And super soul is seeing everything. You cannot hide anything from the Lord in your heart. दुनिया से कुछ छिपा सकते हैं आप जिंदगी भर, पर आखिर में हमको किसको मुंह दिखाना है? मृत्यु के समय कृष्णा विल कम एंड से प्रभु, पूरा अकाउंट हमारे सामने आएगा, तभी हम उल्लू नहीं बना। कृष्ण को तो उल्लू, पूरी दुनिया के सामने अपने आप को सेंट करके प्रेजेंट किया, बट कृष्ण के सामने नहीं कर सकते। So that's why we may slip, we may fall, we may make mistakes, we may make blunders, we may hurt ourselves, we may hurt others. सब चलेगा, but at least कृष्ण से छिपाओ मत, कृष्ण के सामने जाके नंगे हो जाओ. Not literally, but tell him, Krishna, this is what I have done. Krishna, forgive me. Krishna, I have betrayed your trust. Or I am like this. That is humility. And then we can hear Krishna's voice. In a relationship, कोई भी relationship में अगर दो दो पति पत्नी है और वन पर्सन नोज द स्पाउस हैज डन ऑल गड़बड़ एंड द स्पाउस कंटिन्यूस टू डिप्लोमैटिक, विल द लवर रिवील हिज हार्ट और हर हार्ट? ओनली व्हेन फर्स्ट स्टेप इज कन्फेशन ना, व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ कृष्णा एंड से कृष्णा आई वॉन्ट टू रिवाइव माई रिलेशनशिप विद यू एंड दिस इज वॉट आई हैव डन, देन वी कैन हियर हिम. Otherwise, you will never hear lover or your husband or wife. You will never hear from them unless you are also truthful. So this is the crux of the matter. And super soul, and you cannot hide anything from Krishna. Just like right now I am talking, everything is being recorded by this. है ना, record हो रहा है ना? कैसे रखा है कैमरा? record. तो सब कुछ अभी जा रहा है अंदर. I cannot hide it. I cannot hide. No, whatever I am saying is recorded. तो कृष्णा जो है ना हार्ट में, मतलब इट्स लाइक यू नो व्हेन यू आर वॉकिंग, सी मेनी टाइम्स व्हेन वी आर अलोन वी थिंक नोबडी इज वॉचिंग, एंड हिपोक्रेसी हैपेंस व्हेन वी आर एक्चुअली हिपोक्रेसी हैपेंस व्हेन वी थिंक वी आर अलोन, वी आर नेवर अलोन. व्हाई? भले दुनिया के किसी ने नहीं देखा, किसी को पता नहीं है, पर एक व्यक्ति को पता है, कृष्णा. सो जस्ट इमेजिन यू, वी बिकम अवेयर, वी बिकम कॉन्शियस ऑफ कृष्णास प्रेजेंस इन द हार्ट, देन हाउ अवर लाइफ विल बी, कैसा होगा लाइफ? अच्छा होगा, बुरा होगा? व्हाट विल हैपन इफ यू नो कृष्णा इज देयर इन योर हार्ट? वी वेरी कॉन्शियस. अगर आपको मालूम पड़ गया कि कृष्णा देख रहा है, खड़ा है, तो क्या करेंगे प्रभु? We will be alert and vigilant because reporting करना है. I'll tell you क्या होता था हमारे मंगलारती में. This is a true incident. हमारे मंदिर में मंगलारती होता है. Every day 5 o'clock ब्रह्मचारी are standing. And some of us get tired because of late night program. तो थोड़ा spaced out रहते हैं 5 o'clock. थोड़ा पीछे खड़े रहते हैं, कोई पीछे बैठा रहता है, कोई बैक दर्द का बहाना लेके वो सोफा पे बैठा रहता है, कोई ऐसा खड़ा रहता है भगवान के सामने, ऐसे खड़े रहते हैं. अरे संसार चल रहा है, फिर अरे 5:30 बजे खत्म. देन वी, इट्स लाइक 5 o'clock, नॉट एवरीबडी इज एंथुजियास्टिक. एक अर्जुन पार्कर करके प्रभु जी आए, काल प्रभु जैसे, वो भी वो एक फिल्म बना रहे थे, सिंपल टेम्पल करके वीडियो देखा है आपने? वो सिंपल टेम्पल का शूटिंग चल रहा था मंदिर में. हमको क्या मालूम इतना बड़ा मूवी आने वाला है, हमको लगा ऐसे ही कोई कैमरा मंदिर में. वो जैसे वो कैमरा लेके आते थे हमारे सामने, सब लोग सतर्क हो जाते थे बिकॉज. तो मंगलवार एक दिन वो सामने आ गए ऐसा, और कैमरा ऐसा, और सडनली हरे कृष्णा स्माइल करके सब लोग, एवरीबडी वाज परफॉर्मिंग, एवरीबडी वाज अलर्ट इन मंगलारती. फिर उस दिन श्यामानंद प्रभु ने बोला, आज सब मंगलारती में आगे खड़े थे, क्या बात है? तो फिर गोविंद प्रभु ने बोला, ओ वीडियो कैमरा चालू था, कैमरा चालू था. सो व्हेन कैमरा इज ऑन, वी आर गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स, बट एक्चुअली द कैमरा इज ऑन 24/7. द कैमरा इज ऑन, रिकॉर्डिंग हो रहा है और रिकॉर्डिंग प्ले होगा, टाइम पे प्ले होगा. मृत्यु के समय सब आपके सामने आएगा. और दो कैमरा है अभी तो. सो इट विल बी ऑन कैमरा, एंड व्हाट कृष्णा विल डू, ही विल प्ले इट एंड ही विल शो यू. बट इफ यू आर सिंसियर ना, वो सब ही विल नॉट प्ले द बैड थिंग्स, वो सब डिलीट हो जाएगा. So we have a choice now, whether to accept this fact that Krishna is watching or not.
Life becomes auspicious. What happens, you know, at the best, at most we will come and surrender to Krishna. We will cry. We will beg forgiveness. Because this is the essence of any relationship. You know, we have to acknowledge the presence of that person in our life. Imagine you are married and your spouse, your partner doesn't exist for you. Relationship kab tak chalega? You are in your own world and your spouse is in her own world. Similarly, Krishna, I am in Krishna consciousness, but where is Krishna? So, the knowledge or the object of knowledge is this Krishna, but to understand and to be aware of Krishna, we need what? We need what? To be aware of Krishna's presence in the heart, to be able to hear His voice, to be able to acknowledge His presence, to be alert to Krishna's presence, what do we need? Humility. Humility. In any relationship, you need humility or no? Can a relationship last without humility? You ask any person who has been married for many years. Impossible. Many times people say, you know why people say, many religions say, God has no form. God is not a person. God is energy. Kyun bolte hain? Because they are afraid. If they say God is a person, then what happens? Agar God ko person banaya hai, to kya hoga? To person matlab desire. Kisi bhi person ke paas desire hota hai ki nahi? To desire ko pura karna padega fir aapko. Arre, wo tension wala kaam hai. That's why people prefer to live with machines. Machine ko aap control kar sakte hain. Vyakti ko abhi remote leke aap AC band, remote leke TV band kar sakte hain jab chahiye. Hain? Par aapka agar spouse baat kar raha hai, usko band karne ka hai, kaun sa remote chalega? Koi remote nahi chalega, because that is not machine. Person has desires, and not only person means desires, you have to hear the desires. And you have to fulfill the desires. Otherwise, relationship cannot happen. Same thing with Krishna. Krishna, God is a person. Means you have to understand His desires. We have to fulfill His desires. We have to serve Him. Arey baap re, ye to bahut bada challenge hai. Achha, aisa bolte hai, God word kuch nahi hai, light hai, energy hai. Ek tu hi nirakar hai bas. Bhagwan sab nirakar. Why? Then no tension. Koi tension nahi na? Bhakti is all about a relationship. And relationship with the Lord cannot happen without humility. Just like relationship in this world cannot blossom without humility.